उदयगिरी रोड पर शासकीय जमीन में खड़े पेड़ों को काटने की शिकायत पर तहसीलदार मौके पर पहुंची, जहां पेट्रोल पंप डीलर द्वारा सरकारी जगह से 35 पेड़ कटवाए गए, जिन्हें तहसीलदार ने जब्त कर नगरपालिका परिसर में रखवा दिया है। साथ ही प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने का दावा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। एक और जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधे लगाने पर बल दे रहे हैं, हर कार्य के शुभारंभ पर पौधे रोपे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। उदयगिरी रोड पर शासकीय जमीन में खड़े पेड़ों को काटने की शिकायत पर तहसीलदार मौके पर पहुंची, यहां पेट्रोल पंप डीलर ऋषि सोनी द्वारा सरकारी जगह से 35 पेड़ कटवाए गए, जिन्हें तहसीलदार ने जब्त कर नगरपालिका परिसर में रखवा दिए हैं। साथ ही प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई करने का दावा भी किया है। वहाँ 35 वृक्षों को काट लिया गया है। एक पेट्रोल पंप वाला है जो ऋषि सोनी नाम है उसका, और वो ये बता रहा है कि मेरे को परमिशन मिली है, जबकि उसको हमने परमिशन नहीं दी है। और उसमें शासकीय भूमि पे लगे वृक्षों को काटने के लिए लिखा है, उसमें नियम का हवाला दिया है, उसको पढ़ा नहीं है और उस आदेश को ले लेके सबको बता रहा है कि मैडम ने मुझे परमिशन दी है, जबकि मैंने आदेश परमिशन नहीं दी है। 35 वृक्षों को मैंने जब्त कर लिया है, उसकी लकड़ियों को, और उसका प्रकरण दर्ज कर लिया। हाँ, अब मेरे को तो वहाँ पे वो लकड़ियाँ नहीं मिली है, और उस समय मेरे पास शिकायत नहीं आई थी, तो मैं नहीं जा पाई थी उस समय। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ ठोस कार्रवाई आगे की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।